हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नाथ्स यूट्यूब चैनल आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ तो चलिए देख लेते वो न्यूज़ क्या है कलकत्ता यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 2020-2021 हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड एंड देर इज़ एन अर्जेंट नोटिस

और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आज बात करेंगे तो चलिए आज ही के दिन का जो नोटिस आया हुआ है देख लेते हैं जी कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्म फिलअप करना है क्योंकि आपको बहुत ही केयरफुली होना है यहाँ पे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा एक बार देख लेते हैं देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आज ही के दिन आया हुआ है यानी कि ये देखिए तेरह नवंबर 2020 ये रजिस्टर सर देवाशीष दास से आया हुआ है और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल कोर्सेस to initiate registration process in this pandemic situation the colleges affiliated to this university along with all pg departments yani ki bahut sare colleges jo hai jahan pe pg course padhaya jata hai uske ilawa jo calcutta university khud postgraduate ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाते हैं ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं आर रिक्वेस्टेड टू मेक प्रोविजंस सच दैट द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इससे पहले एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि कैलकटा यूनिवर्सिटी का जो सिक्स तो और सेवन में पोर्टल में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसके चलते ये डेट एक्सटेंड हुआ था एडमिशन का तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सी यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस यूनिवर्सिटी ये दोनों के लिए कहा जा रहा है जो स्टूडेंट्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या तो फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही नहीं है दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है और बोल रहे हैं कि यहाँ पे विश टू टेक एडमिशन यू न्यू कोर्सेस माइग्रेटेड इन from अदर यूनिवर्सिटीज़ अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ना हो और अदर यूनिवर्सिटी से माइग्रेटेड होके आ रहे हैं तो फिर विश टू revalidate हीज़ और her प्रीवियस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये यह बात कहे गया है जो स्टूडेंट्स कैलकटी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट पढ़ चुके हैं और उन लोगों को रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरी है एक कैटेगरी है जो स्टूडेंट कैलकटी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो अगर वो लोग चाहते हैं कि जो पुराना रजिस्ट्रेशन चाह था उनको रिवेलिडेट यानी कि उनको फिर से एक्टिवेट करना और दूसरा कैटेगरी है जो स्टूडेंट्स दूसरे यूनिवर्सिटी से यानी कि कैलकट यूनिवर्सिटी के ना होके दूसरे कोई यूनिवर्सिटी से हो होके आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये कहा गया है यहाँ पे तो शैल फिल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज़ डिज़ाइंड बाय द यूनिवर्सिटी वन ऑफ ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है वहाँ पर आपके जाके ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा विथ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस तो जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा आप कैलकटा यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या फिर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल कैलकटा यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो स्कैंड कॉपीज़ ऑफ़ सेल्फ़ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स देखिए स्कैंड कॉपी का मतलब यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि वो लोग पिक्चर उठा के फिर उसको डाउनलोड डायरेक्ट कर देते हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ अगर ये काम आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्कैंड कॉपी यानी कि कोई भी यानी एडोबी जो है या फिर कैम स्कैनर का जो दूसरा पार्ट है यानी कि इंडियन वर्शन है उससे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट स्कैन कीजिए अगर बिस्तर पे रख के स्कैन कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि चद्दर का जो पार्ट है वो ना आए उसमें सिर्फ जो सर्टिफिकेट है उसको ही क्रॉप कीजिए क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और इसके बदले में आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है तो बहुत ही केयरफुली रहना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट है बाहर का कोई पोर्शन ना आए उसमें और इसके साथ ये कॉपी क्या क्या मांगा गया है स्कैंड का मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर समझ लीजिए आप एम टेक करना चाह रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से तो आपने चार साल का बी टेक करके आया हुआ है तो अगर आप बी टेक आप सेमिस्टर तो आठ जो आपका मार्कशीट है वो आठ मार्कशीट एट मार्कशीट जो है उसको स्कैन कीजिए और उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा दूसरा जो है एज प्रूफ सर्टिफिकेट एज प्रूफ सर्टिफिकेट आप क्या दे सकते हैं या तो फिर अपना एडमिट कार्ड का जो है अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से है या तो फिर आई है या फिर सी से है उसमें जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें आपका देखिएगा के आ, या एडमिट या, कार्ड इसके अलावा मार्कशीट में भी आपका एज मेंशन होता है तो ये दे सकते हैं आप इसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं सेकें थर्ड थिंग इस का, कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट में ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी ए बी जिस जो भी कैटेगरी के हम बिलोंग करते हैं उसका अप्रोप्रियट डॉक्यूमेंट स्कैन करके दीजिए इफ़ एनी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चौथा वाला जो पॉइंट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपको पास है तो आपको देना पड़ेगा वही बात कहा गया है कि इशूड बाई द कम्पिटेंट अथॉरिटी पांचवा जो बी सर्टिफिकेट अगर आप कोई बिलो प्रोवर्टी लाइन यानी कि बी पी यानी कि आपका जो फैमिली का जो इनकम कुल मिला के जो ईयरली इनकम है वो अगर ढाई लाख से कम हो तो आप बी पी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा का विथ द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी पॉइंट नंबर सिक्स कहा गया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वही रजिस्ट्रेशन नंबर रिवेलिडेट करा रहे हैं यानी कि रीएक्टिवेट करा रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट में आपका था तो माइग्रेशन का कोई सवाल नहीं उठता लेकिन अगर आप कोई बाहर का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या वेस्ट बंगाल में ही जैसे कि बर्धमान या बिद्यासागर या कलैनी कोई भी यूनिवर्सिटी मकााउत कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उठाना पड़ेगा यहाँ पे एक बात मैं कह देता हूँ मकााउत में ऑनलाइन माइग्रेशन का बहुत इजी है एक दिन में मिल जाता है बाकी यूनिवर्सिटी का अभी एक दिन में मिलना चालू नहीं हुआ है तो फिर मकाउ अगर मकाउत का स्टूडेंट है तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप ये ले सकते हैं लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो अगर कैलकाटा का ना होके तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट झटपट अप्लाई कर दीजिए और उसका एक चालान देगा उसका स्लीप देगा तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं कि अप्लाईड फॉर माइग्रेशन था से जो पॉइंट है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर कोई किसी ने ग्रेजुएशन uh, जो किए हो वो उस कुछ दूसरे नाम से जाना जाता है तो अगर uh, जैसे कि संस्कृत के uh, कोई पढ़ते हैं तो उसके ये आचार्य ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपका जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लगेगा आठवां जो पॉइंट है सी यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आप सी यू का स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपका जो सी यू का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट आपका डिजिटाइज फोटोग्राफ आपका जो डिजिटाइज फोटोग्राफ मतलब ये नहीं है देखिए कोई भी कलर का रंग बिरंगे कलर का आप फ़ोटो मत उठाइए सिंपली एक आ, अगर हो सके तो वाइट कलर का शर्ट पहनिए और फिर उसके बाद एक फ़ोटो उठाइए डार्क कलर का बैकग्राउंड में तो पिक्चर बहुत अच्छा आता है तो उस फोटो को आप डिजिटाइज जो फोटो जेपी जे फोटो उसको आप स्कैन कीजिए और थोड़ा कम एम बी में डालिए और रेजोल्यूशन ठीक रखिए एंड दसवा जो पॉइंट है वो है डिजिटाइज सिग्नेचर आर ऑल्सो टू बी अपलेटेड डिजिटाइज सिग्नेचर आप कैसे कर सकते हैं आप अपना सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे लीजिए फिर वाइट पेपर पे साइन कीजिए फिर उसके बाद कैम स्कैनर से, uh, uh, तो से उसको स्कैन कीजिए और फिर कंप्रेसर एक ऐप होता है तो कंप्रेसर ऐप से उसको थोड़ा कम एम में एक या दो एम के अंदर ले लीजिए तो फिर उसको फिर आप अपलोड कर सकेंगे अभी जो डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया है ऑटो पॉपुलेटेड विथ ऑल रिलैक्स Uh, relevant information along with digitized photo and signature and authentication as noted below of the director, secretary, faculty council, principal, teacher in charge, office in charge, vice principal of the concerned institution with seal. The said downloaded registration form from registration. पोर्टल एलोंग विथ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फीस डिटेल्स एंड स्टूडेंट्स फीस रिसिप्ट जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इक्वी सर्टिफिकेट यानी कि आप एक बार ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको आपका एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट यानी कि यहाँ पे जो दस डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया गया था उसमें जो जो एप्लीकेबल होता है आपका वो सारा डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी लेके फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपका जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आई मीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आप आ, पास किए हो वहाँ पे टीचर इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज प्रिंसिपल एट्सट्रा एट्सेट्रा यहाँ से उसको साइन कर, कराइएगा और फिर उसको एक सील भी लगाइएगा वहाँ का और ये जो है ये आपको आ, क्या करना पड़ेगा आर नीड टू बी सेंड कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट इक्विपमेंट सर्टिफिकेट रेट सर्टिफिकेट इफ़ एनी आर टू बी सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल आपको पहले उसका ईमेल भेजना पड़ेगा ठीक है आ, उस डॉक्यूमेंट जो सारे डॉक्यूमेंट है उस सारे डॉक्यूमेंट आप उसमें ईमेल करके अटैच करके ईमेल में अटैच करके ठीक है जीप फाइल यानी कि जीप फॉर्मेट और रार फॉर्मेट ज़िप फॉर्मेट का मतलब होता है कि एक फोल्डर उसमें जाता है और उसमें जितना भी सारा अपने का यानी कि डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स एक साथ एकोमोडेट हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट सारा आपका भेजना पड़ेगा कहाँ पे यहाँ पे देखिए पी जी डी ओ सी टू जीरो द रेट कैल यूनिव डॉट ए सी डॉट इन अंडर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और डिपार्टमेंट नेम रिस्पेक्टिवली अगर आप कॉलेज में मास्टर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भेजना पड़ेगा और अगर डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं कलकटा यूनिवर्सिटी का डिरेक्टली तो उस डिपार्टमेंट ने आपको भेजना पड़ेगा डिपार्टमेंट का नाम मैंशन कर दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि ये कॉमन ई मेल आई डी है तो आपका डिपार्टमेंट जो है उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे नोट दिया गया हुआ है देखिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन मींस डिजिटली अपलोडिंग स्कैंड इमेजेस इन जे फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट इसके अलावा और कोई फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होगा जे फॉर्मेट यहाँ पे शायद एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्योंकि ये लोग बता दे चुके हैं तो फिर जे और पी एन जी फॉर्मेट ही आप स्कैन कॉपी में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसको दे सकेंगे मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा और इसको कैसे कर सकते हैं आप मैं बता दे सकता हूँ देखिए आप जब भी ये फ़ोटो को क्रॉप स्कैन करते हैं स्कैन करने के बाद उसको एक ऑप्शन आता है कि कौन से फॉर्मेट में आप इस, इसको सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली डॉट जे डाल दीजिए तो आपका स्कैन हो ऑलरेडी वही फॉर्मेट में सेव हो जाएगा ये ऑफ द सेक्रेटरी फैकल्टी काउंसिल प्रिंसिपल टीचर इन चार्ज ऑफिसर इन चार्ज वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेजेस और डिपार्टमेंट विद डेजिग्नेशन इन द अप्रोप्रिएट स्पेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हार्ड कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलोंग विद सिग्नेचर विद सॉरी अलोंग विद स्टूडेंट फीस रिसिप्ट एंड फीस डिटेल्स आर टू बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एट्टी सेवन बाई वन कॉलेज स्ट्रीट ये एड्रेस दिया हुआ है वेन रिक्वायर्ड बाई सी यू विथ ऑरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरीफिकेशन जब वेरीफिकेशन होगा ये अभी नहीं है ये पार्ट कैलका यूनिवर्सिटी मैंशन करेगा तब आपको जो हार्ड कॉपी है अगर अभी आप क्या कर रहे हैं ये सारा पहले सॉफ्ट कापी डाउनलोड कर रहे हैं फिर उसका और जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आ, जो डॉक्यूमेंट है उसको मेल कर रहे हैं आप उसके बाद जो हार्ड कॉपीज़ है उसको ऑफिशियली जो सील और स्टूडेंट फी fee, जो फ़ीस देके एडमिशन लेंगे और उसका डिटेल्स सारा हार्ड कॉपी उसका फोटोकॉपी लेके आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भेजना है रजिस्टर को जब ये पूछेंगे तो उसका डेट जरूर दे देंगे अभी तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है इफ़ एनी फॉल्स स्टेटमेंट और डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन आइदर इट इज़ बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेट स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन विद दिस यूनिवर्सिटी शुड बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड आपका जो रजिस्ट्रेशन है तत्कणात कैंसिल हो जाएगा और अपलोडिंग प्रोसेस फॉर दिस सेशन 2020-2021 शुड बी फॉलोड इन सेम मैनर एज इट वॉज डन इन द लास्ट ईयर 2019 थाउजेंड नाइन्टीन एंड ट्वेंटी सो जैसे पहले 2000 थाउजेंड अपलोडिंग प्रोसेस फॉर दिस सेशन ये 2020 थाउजेंड में प्रीवियस ईयर में जैसे हुआ था वैसे ही यही होगा ठीक है तो अगर इसके अलावा मैंने सारा बता दिया लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो मेरा टेलीग्राम जो है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो विश यू ऑल द बेस्ट और ये स्टार्ट बहुत जल्दी हो रहा है तो मैं इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमन्नाथ यूट्यूब चैनल